हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की वीडियो असेसमेंट फॉर लर्निंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। इस वीडियो में आपको 2017, 18 एंड 19 के क्वेश्चन पेपर को दिखाया जाएगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। मैं एनालाइज कर रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, सिर्फ उनको ही अगर हम पढ़कर चले जा रहे हैं तो एग्ज़ाम अच्छे से हो पा रहा है। दो लॉन्ग, दो शॉर्ट और सारे वेरी शॉर्ट हम कर पा रहे हैं। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और है गाइस, असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो सिलेबस था और जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, तो बच्चों को थोड़ा डाउट हो रहा है, तो वो डाउट भी इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड जो मैंने टॉपिक्स बनाए, उनमें यही दो चैप्टर्स के बीच में डिफरेंस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वन में आप फोर चैप्टर बिल्कुल नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्जाम में वही आए। आप देख ही रहे होंगे NCF, NCERT वेरी शॉर्ट में आता है, जबकि बुक में नहीं है, तो आ जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। टीचर की, लर्नर की प्रोफाइल एक टीचर को बनानी आनी चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि देख लेना। फीडबैक भी नॉर्मल पार्ट है टीचर की लाइफ का, तो हो सकता है ये आ जाए। एग्जाम में से सिर्फ वही नहीं आता जो बुक में है, सिलेबस में है, एग्जाम में से कॉमन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपका मन हो तो ये वाला कर लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, इट इज़ अप टू यू, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। थर्ड चैप्टर के बारे में मैं ये कहूँगी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग, इस तरीके से अब ये सिलेबस में दिया गया है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल का पैराडिग्म करके नाम था, वो काट कर ये डाल दिया गया है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये उसी का ही पार्ट है, उसी के ही अंदर है। उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, फिर एक दो पॉइंट्स हैं, उसके बाद ये उसी का ही हिस्सा है। तो अगर मान लो ये एग्जाम में आ गया, तो आप खाली इसको लिखकर एग्जाम में 12 नंबर नहीं ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करके तब आप इसको लिखेंगे, तो अच्छे से वो 12 नंबर आपको मिल सकते हैं। खाली इसको लिख के आप 12 नंबर नहीं ले सकते, खाली इसको लिख के तो आप 4 नंबर वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। अभी आप एग्जाम में देखोगे, जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से कि कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग में अंतर बताओ, या असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग होता क्या है, कब कब इसको दिया जाता है, कब कब ये असेसमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम होता है गाइज। मैं इसके लिए बोलूँगी कि आप वो पूरा ही मॉडल देख लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, इन दोनों से ऊपर सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं। और आप नई तालीम के लिए तो वो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, सेम एज वही है, बस असेसमेंट में आपको रिवाइज करना है, क्योंकि नई तालीम के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, तो वो सेम ही है, तो आपको वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस असेसमेंट में वो रिवाइज करना है। तो गाइज, मैं ये कहूँगी थर्ड जो चैप्टर है वो मॉडल के साथ फुल प्रिपेयर कीजिएगा, और फोर्थ चैप्टर को आपके ऊपर चॉइस है, आपको प्रिपेयर करना है तो ठीक है, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके ऊपर हमारे दो चैप्टर है, 1 एंड 2, वो जैसे मैंने बताए थे बिल्कुल वैसे ही सिलेबस में है, उनमें कोई डाउट नहीं है, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं गाइज। ये 2017 के वेरी शॉर्ट हैं, इनमें से कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में हर साल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कट किया हुआ है, क्योंकि जब हम बीएड सेकंड ईयर में एंटर हुए थे, तब ये वाली यूनिट हमारी कट हो गई थी, NPC वाली, तो इसमें से कुछ नहीं आएगा। देन हम चलते हैं अब 2018 के वेरी शॉर्ट पे। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये मेरे से रॉन्ग राइट हो गया था, इसलिए मैंने इसको कट किया हुआ है। 2018 का यहाँ से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। 6 अगेन NPC आया था, जो मैंने कट कर दिया, इसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। देन आ जाता है हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर। गाइस, 2019 का क्वेश्चन पेपर और 2018 का क्वेश्चन पेपर सेम है, वो रिपीटेडली मुझे राइट करना पड़ता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। देखिए, 2018 में क्वेश्चन नंबर 1 सेम था, सेकंड भी सेम था,
थर्ड पे सेम था, थोड़े से नेम चेंज हो गए तो मुझे लगा कि अलग है, बट मैंने देखा बाद में एनालाइज किया तो सेम है। इस ये भी सेम है, बस यहाँ पर प्रमापीकृत दे दिया गया है। और यहाँ पे नंबर 4 में आप इंग्लिश में रीड कीजिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो यहाँ पे प्रमापीकृत हिंदी में नहीं लिखा है, बट इंग्लिश देखो तो आप सेम है। और बाकी सारे क्वेश्चन भी यही 2019 में आएंगे यहाँ पर, तो इसलिए मैंने रिपीटेडली राइट नहीं किए हैं। तो 2018 और 19 का क्वेश्चन पेपर सेम है। तो चलिए गाइज, अब हम लॉन्ग देख लेते हैं। 2017 के असेसमेंट फॉर लर्निंग के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एंड अचीवमेंट टेस्ट विद ब्लूप्रिंट, आप रट लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों साल में देखने के लिए मिला है। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बट इसे ऑन टिप्स लर्न करके रखिएगा। देन 6 नंबर एनपीसी है जो कि एग्जाम में नहीं आएगा, वो मैंने कट कर दिया, आपको इसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। डाटा यहाँ पर पूछा गया है, डाटा के प्रकार पूछा गया है, इसका मतलब मीन मीडियम मॉड है, सेंट्रल टेंडेंसी है। देन हमारा आ जाता है 2008 का क्वेश्चन पेपर। देखिए अगेन ये आपका आया है अचीवमेंट टेस्ट, हर तीनों साल में मैंने ये देखा है क्वेश्चन, तो आप इसे प्रिपेयर कीजिएगा। और देखिए मैं जो आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग का बता रही थी, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग, बट निर्माणत निर्देशन मतलब निर्माणवादी मॉडल के साथ जुड़ के आता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है। निर्माणवादी मॉडल के अंदर ही असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आता है, तो आप इसी को इसी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। देन है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी, अगेन रिपीट हो गया। ये 5 मैंने आपको पहले जब यूनिट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बताया था कि एक क्वेश्चन आता है लास्ट यूनिट से 2 मर्ज कर कर, ये वाला पार्ट जो है वो क्या आता है स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस से थ्योरी का, और ये वाला पार्ट आ जाता है हमारा न्यूमेरिकल का जो यहाँ पर है। तो ये दोनों हाफ हाफ बन के एक क्वेश्चन बन जाता है, ये न्यूमेरिकल है, एक ही न्यूमेरिकल आता है वो भी हाफ मार्क्स का, यानी कि 6 मार्क्स का आ सकता है, 6 और 6 मार्क्स का मिलके एक 12 नंबर का लॉन्ग बनेगा। अगेन एनपीसी है, उसे कट कर दीजिएगा, प्रिपेयर की नीड नहीं है। देन हमारा आ जाता है 2019 का लॉन्ग, ये एग्जैक्टली सेम बाकी के दोनों जो लॉन्ग पेपर है उनसे रिलेटेड है। देखिए रचनावादी प्रतिमान यानी कि वही है निर्माणवादी मॉडल, असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग में अंतर सेम पहले आया है, अगेन ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट तो तीनों साल में आया है, उसके बाद अगेन स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट अभी हमने 2018 के क्वेश्चन पेपर में देखा है, देन अगेन सेंट्रल टेंडेंसी लास्ट तीनों ईयर से आ रहा है। देन ये 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी हमने 2018 में देखा था, न्यूमेरिकल पार्ट एंड थ्योरी पार्ट, इसका ए पार्ट और बी पार्ट यही रिपीटेडली है, इसलिए मैंने राइट नहीं किया है, आप यहीं से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे अगेन क्वेश्चन नंबर 6 एनपीसी से है, जिसे आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कट कर सकते हैं। चलिए गाइस अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2017 के शॉर्ट्स। शॉर्ट में भी गाइस कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में आ रहे हैं, आप खुद आने वाले जो क्वेश्चंस पेपर में आपको दिखाऊंगी उसमें एनालाइज कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नहीं तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। टू थाउजेंड सेवेंटीन का क्वेश्चन नंबर 8 एनपीसी था जो एग्जाम में अब नहीं आएगा क्योंकि अभी सिलेबस में है ही नहीं, वैसे तो प्रोफाइल ऑफ द लर्नर भी सिलेबस में नहीं है, बट इट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन फॉर अ फर्दर टीचर, क्योंकि ये एक टीचर को आना चाहिए तो मुझे लगता है शायद आ सकता है। बाकी 2018 का क्वेश्चन पेपर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देन है हमारे 2018 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। देखिए 2017 में उपकरण पूछ लिया है, टूल्स पूछ लिया है, टूल्स के टाइप्स, यहाँ पे डायरेक्ट आपको गुणात्मक मात्रात्मक पूछ लिया
है तो क्वेश्चन सेम ही। देन आ गया है 2018 के 7 और 8 क्वेश्चन नंबर। आफ्टर दैट हमारे आ जाते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 2018 से मैच है। 2018 और 17 में गाइस क्वेश्चन पेपर शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में सेम आए हैं, कुछ भी उनमें डिफरेंस नहीं आया है। चलिए मैं आपको एक दो पेपर को क्वेश्चंस के साथ शो कर देती हूँ, बाकी आप सारे तो खुद एनालाइज कर लेना। देखिए 2019 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है फर्स्ट क्वेश्चन, देन फीडबैक प्रोफाइल ऑफ लर्नर है, एंड देन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स है। अब आप 2018 में देखिए ये सेम है। देखिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, प्रोफाइल ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ लर्नर, एंड देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, और बाकी क्वेश्चन भी सेम है, आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा। होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के थ्रू आप लोगों को काफ़ी सारी एग्जाम से रिलेटेड नॉलेज मिली होगी। ये जो सब्जेक्ट है वो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, ट्रिकी लगता है, क्योंकि इसमें स्टैट्स आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है उतना टफ और ट्रिकी नहीं है। आपने क्वेश्चन पेपर में देखा ही होगा, एनालाइज किया होगा कि कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं वही एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं। तो आप लोगों के पास ऑन टिप्स वो 5-6 क्वेश्चंस आ गए हैं। अब बस उन्हें आपको जल्दी से प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम। आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो फिर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मुझे लगता है गाइस आप लोगों के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमने बाकी सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।